भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण बैठक राजधानी भोपाल स्थित भाजपा कार्यालय में हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है वो विश्व में किसी ने नहीं किया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रणवीर सिंह रावत, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह, प्रदेश संगठन महामंत्री सुहास भगत सहित किसान मोर्चा के सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित थे। मैंने इतना सक्रिय किसान मोर्चा कभी नहीं देखा जितना आज है। ये बात अपने हृदय से मैं कर रहा हूं और सच में जो कर्तव्य निष्ठा, कार्यक्रमों की श्रृंखला, उनको सफल बनाने के लिए जीत और परिश्रम आपने किया है, उसको देखकर मैं ये कह सकता हूं कि चौथी बार सरकार बनाने में किसान मोर्चे की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सच में मेरा मन प्रसन्न है। किसान सम्मान यात्रा और उसके बाद कार्यक्रमों का सिलसिला अब प्रभावी ढंग से सरकार की योजनाओं को लेकर किसानों के बीच में पहुंचे हैं। कांग्रेस का काम भ्रम फैलाना, अफवाह फैलाना, गलत बातें करना, कैसे किसानों में भ्रम फैले, मीडिया के मित्र भी यहां खड़े नाराज है, नाराज है, नाराज है। मैंने कल परसों 2.5 लाख किसानों में प्रधानमंत्री जी के सामने राजगढ़ के साथी आते होंगे, मैंने पूरी भरी भीड़ में भरी सभा में पहुंचा, भैया कोई नाराज हो क्या? एक स्पष्ट आवाज आई, नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं हुआ। भोपाल से ईएमएस टीवी के लिए कैमरामैन आकाश पैरागी के साथ राम पवार की रिपोर्ट।